नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल द बेस्ट गल्फ जॉब में। मैं आपका दोस्त गुबी चंदी फिर लेके आया हूँ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी। जानकारी भी है, उससे पहले मौका भी है, दस्तूर भी है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग मेरे वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड में अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे पहुंचे। आज बात करूंगा टैक्सी ड्राइवर की। अरबिया टैक्सी है, अरबिया टैक्सी फेमस टैक्सी, नाम बता देता हूं, कोई बताता ही नहीं है। हमारे पास टैक्सी का काम है, हमारे पास वेल्डर का काम है, कंपनी कोई नहीं बताता, आपका भाई बता रहा है द बेस्ट गल्फ जॉब में बैठ के। अरबिया टैक्सी की जॉब है, अबू धाबी बेस है। मैं मोस्टली जो ड्राइवर गाड़ियां चला रहे हैं ना, उनको पूछ के देखना दुबई में क्या बेनिफिट्स हैं गाड़ी चलाने के, और अबू धाबी में क्या बेनिफिट्स हैं, और शारजा में क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, दुबई में अकोमोडेशन नहीं मिलती लाइसेंस बनने के बाद, शारजा में नहीं मिलती, अबू धाबी में अकोमोडेशन फ्री है। 500 दिरहम तो सीधा वो बच गया। आप देखो, कई बार पूछते हैं ना भी ये काम करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, तो मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताऊंगा, पर मुद्दे से ना भटकते हुए पहले टैक्सी ड्राइवर के बारे में बात कर लें अपन लोग। अरबिया टैक्सी की है वैकेंसी, इंटरव्यू स्टार्ट है कल से, डे आफ्टर से। जैसे जैसे जिनके डाटे आते जाएंगे, जिनकी सीवी आती जाएंगी, उनका लिस्ट बना के उनकी एक प्री इंटरव्यू जूम, बाद में डेलीगेशन। कहाँ डेलीगेशन आता है देखो मैं बताता हूँ आपको। डेलीगेशन आपको अगर दिल्ली नज़दीक पड़ता है तो दिल्ली की ऑफिसों में भी आपकी इंटरव्यू वहाँ करवा देंगे। अगर आपको चंडीगढ़ नज़दीक पड़ता है तो चंडीगढ़ के जो एरिए के लोग हैं उनको चंडीगढ़, अमृतसर के एरिए के, जो गंगानगर एरिए के, राजस्थान के, वो सीकर के एरिए के, जो वहाँ इंटरव्यू हो जाएगी उनकी। अब बात करता हूँ मैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। पहले रिक्वायरमेंट का ध्यान रख लो आप। एज लिमिट है जो 23 साल से लेके 45 साल है, इसके नीचे फोन ना करें और इसके ऊपर फोन ना करें भाई साहब, ठीक है। 10th पास होना चाहिए बंदा, टैटू टर्बन नहीं होना चाहिए, 10th 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास होने के बाद भी आज सुबह बात हुई थी, कहता सर मैं 12 पढ़ा हुआ हूँ पर मेरे को इंग्लिश ही नहीं आती। मैं कहा क्या 12 पढ़ा है फिर तेरे को इंग्लिश में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। चार मेन सवाल होते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई यू वांट टू गो दुबई, एंड हाउ टू ड्राइविंग, हाउ यू हैव एक्सपीरियंस इन द ड्राइविंग लाइन। ये तीन चार बेसिक होते हैं जो आपको टैक्सी ड्राइवर के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। अब बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ये बता देता हूं। 10th पास हो गया बंदा, बेसिक इंग्लिश आ गई, हाइट चे मायने नहीं रखती, एज 23 साल से 45 साल हो गई। अब कंपनी क्या कहती है आपको, फैसिलिटी क्या देती है, अकोमोडेशन, जाते ही जब तक लाइसेंस नहीं बनता खाना और अकोमोडेशन फ्री दे रही है, फूड अलाउंस का अलग से 300-500 दराम दे देती है, तो फ्री हो गया एक तरह का। कोई बंदा 1.5 लाख रुपए लगा के जाता है, कहता है सर मैं तो यहाँ आ गया 3 महीने। अबे भाई 3 महीने 1000 दराम में तू पर महीने पड़ा, 3 महीने में 3000 दराम तूने कंपनी का वेस्ट किया, उसका 60,000 रुपये वो बन गया। ये देखते नहीं आप, बात नहीं सोचते। एक बार कंपनी पॉकेट से लगा के लाइसेंस आपको बना के दे रही है, आपकी जिंदगी नहीं बन गई। जो पुराने बंदे हैं मुझे बताना, जो जो रिटर्न बंदे हैं जिन्होंने ड्राइविंग लाइन में समय गुजारा है, आप बताओ आपने कितनी मुश्किलों से लाइसेंस बनाए थे। आज कंपनी अपनी जेब से पैसा लगा के 10,000-8,000 दराम लगा के आपका लाइसेंस बना के दे रही है। आप लाइसेंस बनने के बाद 3,000-3,500 दराम वाले बंदे बन गए कि नहीं बने। अब 3,000-3,500 दराम का इंडिया में 70,000 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, आप ये बातें नोट क्यों नहीं करते। क्या फैसिलिटी बनती है, करियर बनता है। एक बंदा कारपेंटर में भेजा, 20 साल कारपेंटरी करता रहता है, लेबर में भेजा, 20 साल लेबर ही करता रहता है, रवाना चलाता रहता है, बेलचा चलाता रहता है 20 साल तक दुबई में। आप क्यों नहीं ये बातों को समझते। आप टैक्सी ड्राइवर में जा रहे हैं, आप टैक्सी ड्राइवर के बाद देखो, अकोमोडेशन की वीडियो डालूंगा, फोटो डालूंगा साथ में अकोमोडेशन की, आज ही फोटो भी अटैच कर दूंगा कैसी अकोमोडेशन है, स्लैब भी डालूंगा। आपको कमीशन मिलता है 27%, 800 दराम बेसिक सैलरी है लाइसेंस बनने के बाद, 800 दराम बेसिक सैलरी, 16,000 रुपए तो आपने चाहे गाड़ी चलाई चाहे नहीं चलाई मिल गया, अकोमोडेशन फ्री की मिल रही है। अब उसके बाद 27% कमीशन है, कंपनी बता रही है। जो मैंने ड्राइवर मेरे चला रहे हैं नीचे कमेंट भी करेंगे जो ड्राइवर वहां पे है, अब भैया आप एक बात बताओ, आपको 3,000 दराम से लेके 5,000 दराम के बीच में पैसे बनते हैं महीने के,
तो 3,000-60,000 से लेके 1,00,000 रुपया हो गया, तो और क्या चाहिए आपको, मुझे ये समझ नहीं आया। इंप्लॉयमेंट वीजा है, डेलीगेशन इंटरव्यू है, जूम वूम बंद है सब। अब डेलीगेशन वो कोरोना में चला था, बहुत फायदा उठा लिया आपने जूम का, घर पे बैठे इंटरव्यू देके फटाक से दुबई निकल गए। अब वैसा नहीं है, इंप्लॉयमेंट वीजा है, खुद एम्बेसी में भी जाना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट लेके एम्बेसी में स्टिकर स्टंप करा के लाना पड़ेगा, गम का मेडिकल भी खुद को कराना पड़ेगा। तो टैक्सी ड्राइवर के बारे में जितनी मैं चीजें बता सकता था आपको, एम्प्लॉयमेंट वीजा है, 15 डेज में आपका वीजा क्लियर हो जाना है आफ्टर इंटरव्यू, 15 दिन में फ्लाइट भी हो जानी है, 15 दिन में सारी चीजें पहुंच जाना है बंदा ने, यूनिफॉर्म कंपनी ने देनी है, जो मोटी मोटी सारी चीजें मैंने आपको डीपली बता चुका हूं टैक्सी ड्राइवर में। तो हो जाओ तैयार अरबिया टैक्सी के लिए, इंटरव्यू दो और चलो दुबई, और टैक्सी ड्राइवर में अपना लक अजमाओ। लेफ्ट हैंड रूल है इंडिया में, राइट हैंड रूल की बात करते हो आप, वहां पे दुबई में लेफ्ट हैंड रूल है, उल्टी साइड गाड़ियों का स्टेयरिंग है, ये बात का ध्यान रखना और ये बात दिमाग में बिठा के जाना। अब नॉर्मल सी एक बात और बताता हूं, इसके साथ एक बात ऐड कर दो, ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का है आपके पास, ये प्रूफ करता है भी आप ड्राइवर हो। अब आपको गाड़ी चला के भी देखेंगे वो, तो ये मैंने आंखों से देख लिया भी बंदे को गाड़ी चलानी आती है। यार ये कस्टमर डीलिंग की बात है ना, क्लाइंट डीलिंग की बात है, कस्टमर आप उसको कस्टमर उठाते हो, उसको अपने लोकेशन पे पहुंचाते हो, तो ये आप में क्वालिटी है। तो कस्टमर किस लैंग्वेज का आया, तो एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश होती है, हर जगह बोली जाती है, तो वो बंदा इंग्लिश में बोलता है भी मुझे यहां जाना है, तो आप क्या जवाब दोगे अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता। मैं उनके लिए परेशान हूं जिनको नहीं आती, वो फोन करते, तो आप ये चीजों का ध्यान रख के फोन करें भी, आपको इंग्लिश आती है, आप 10th पास है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी एज 23 साल से लेकर 45 के बीच बीच है। तो दोस्तों ये थी टैक्सी ड्राइवर के बारे में जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपने दोस्त को जय इजाजत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।